अभी तक क्लास 7th में, 8th में, 9th में तुम लोग ने कितने भी परसेंटेज स्कोर किए हो, बट क्लास 10th में डेफिनेटली तुम 90 प्लस स्कोर कर सकते हो इस वीडियो देखने के बाद। तो ही एवरीवन, दिस इज सकीन आली, और कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी साइंस की स्ट्रेटेजी, कि तुम लोग पहले से शुरू से पढ़ के आखिरी तक साइंस में किस टाइप से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्या क्या चीजें तुम्हारी जरूरी है 90 प्लस स्कोर करने के लिए, और तुम्हारी दीदी ने कैसे 90 प्लस स्कोर किया था साइंस में। तो चलिए देख लेते हैं। साइंस में सबसे पहली चीजें हम लोग ये देखें कि हमारे पास होते हैं तीन सब्जेक्ट, कौन कौन से, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी। अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो मार्क्स हमारे किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फिजिक्स में तुम्हारे 25 मार्क्स होते हैं, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 25 मार्क्स अगेन होते हैं, और बायोलॉजी में होते हैं 30 नंबर तुम्हारे। मतलब बायोलॉजी के लिए 5 नंबर ज्यादा एफर्ट्स तुम लोग को डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम लोग पढ़ने बैठते तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो कॉपी नहीं, रिड्यूस सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। 2022-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए रिड्यूस सिलेबस आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग यार वो सिलेबस मत पढ़ना कि जो ऑलरेडी रिड्यूस है, डिलीटेड पोर्शन है। मैंने ऑलरेडी इस एक वीडियो इस पर अपलोड कर दी है, तो अगर आप लोग को नहीं पता कि कौन कौन सा रिड्यूस सिलेबस है साइंस के लिए और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हो उस वीडियो को, लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, के हाउ टू स्टडी दी। सबसे पहली चीज हम लोग को होती है कि कौन कौन सी बुक से पढ़े, कितने घंटे पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज यार, कौन कौन सी बुक से पढ़ने के लिए आप लोग एनसीईआरटी पर ही जाए, बिकॉज एनसीईआरटी आप लोग के लिए रामबाण इलाज है, और एनसीईआरटी गॉड बुक है आप लोग के, उसके अलावा आप लोग बिल्कुल किसी भी बुक के लिए ना जाए। आप लोग को एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है, तो लेट अस सपोज कि एनसीईआरटी मुझे थ्रोली रीड करनी है, लाइन बाय लाइन आप लोग को बिल्कुल जाना है, थ्योरी के लिए बिल्कुल तुम लोग एनसीईआरटी रेफर करो। अब मान लो कि तुम्हारा पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का उठा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर तुम्हारा केमिस्ट्री का है, उसमें तुम लोग को एनसीईआरटी थ्रोली रीड करनी है। आप लोग को इंडेक्स क्वेश्चन जो ब्लू कलर के डब्बे में बंद होते हैं उस पर सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोग को बैक्स एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे सॉल्व करने। यार देखो, एनसीईआरटी मैंने क्वेश्चन लिमिटेड दिए हुए, तो बच्चे मुझसे पूछते थे इज रेफरेंस बुक इज नेसेसरी फॉर स्कोरिंग 90% इन क्लास 10, तो उसका आंसर है यस। आप लोग को रेफरेंस बुक थ्योरी के लिए नहीं करनी, कोई क्वेश्चन बैंक खरीदो, क्योंकि थ्योरी के लिए तुम्हारी एनसीईआरटी इनफ है यार। थ्योरी के लिए कोई दूसरी रेफरेंस मत खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी रेफरेंस में तुम लोग को बहुत आसानी से सारी चीजें मिल जाएंगी जो एनसीईआरटी में नहीं मिल रही। एनसीईआरटी की खुद की साइंस की लैंग्वेज जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है उसमें बहुत मतलब प्यारी सी लैंग्वेज दी हुई यार, आसान सी लैंग्वेज है, ईजी वाली लैंग्वेज है, तुम लोग बिल्कुल जा सकते हो। तो मतलब कि कोई भी रेफरेंस बुक आप लोग बिल्कुल परचेस करना, क्या परचेस करना है, तो तुम लोग क्वेश्चन बैंक जरूर परचेस कर सकते हो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। बिकॉज यार बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है ना, ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वही तुम लोग को पूछे जाएंगे, उसके आसपास का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो तुम लोग क्वेश्चन बैंक जरूर रेफर कर सकते हो। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि बच्चों ओसवाल गुरुकुल की तरफ से ये साइंस का क्वेश्चन बैंक आता है, तो आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। इसमें आप लोग को सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने टाइप से हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग को ऑफलाइन लोकल स्टोर से परचेस करना हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ओसवाल गुरुकुल की बुक मैं इसलिए आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इसी बुक से आप लोग को टीच करती हूँ, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बार सीबीएसई में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग भी बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हैं। कॉन्टेंट चेक कर लेना आप लोग, पहले ऑनलाइन कॉन्टेंट चेक कर सकते हैं और बाद में आप लोग परचेस भी कर सकते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी। सो आप लोग को ढूंढने की जरूरत ना पड़े इसी के लिए मैंने आप लोग को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यार बहुत सारे बच्चे ना हमारे यहाँ क्या करते हैं, क्लास 10th में आते हैं, मैथ्स के लिए आरडी शर्मा ले ली, साइंस के लिए फलाना ढिमका बुक ले ली, और बहुत सारी चीजें ले ली। इतनी सारी बुक इकट्ठा कर लोगे ना तो तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है पढ़ने का। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, एनसीईआरटी लो, किसी भी क्वेश्चन बैंक को रिफर करो और आगे बढ़ो। मिनिमम बुक्स मल्टीपल रिविजन वाली चीज है, तुम मैक्सिमम बुक ले लोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, रिविजन कब करोगे। और टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होता है कि रिविजन बहुत सारी बार करते हैं, मल्टीपल रिवीजन उनका होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी हम लोग ने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके एग्जांपल्स देख लिए, इंडेक्स क्वेश्चन देख लिए, बैक एक्सरसाइज देख ली हम लोग ने, साथ ही साथ हम लोग ने एक क्वेश्चन बैंक भी लगा लिया, रिवीजन किस तरीके से करना है। तो रिवीजन करने के लिए बच्चा, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो उसके सारे डेरिवेशन ना आप लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू लिखते जाइए, खुद के नोट्स बनाइए, किसी के भी तुम लोग कितने भी नोट्स ले लोगे ना, पर जब तक तुम लोग खुद के नोट्स बनाओगे और उससे बिल्कुल रेफर होंगे तो जितने हेल्पफुल होंगे ना तुम्हारे लिए उतने किसी के भी नोट हेल्पफुल नहीं रहते हैं। मैं सीरियसली मेरी बात बताऊं तो मेरे अभी भी एमएससी के एग्जाम्स थे, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, चाहे कितनी भी बुक्स कितना अच्छा तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दे, जब तक तुम खुद के नोट्स नहीं बनाते ना तो तुम किसी के भी नोट्स से इतना अच्छे तरीके से गो थ्रू नहीं हो पाते। तो मैं अपने नोट्स दिखाती हूँ कि ये एमएससी में मैंने किस टाइप से आप लोग को नोट्स बनाए थे। आप लोग क्या कर सकते, जो चीजें आप लोग को दिखाई दे रही है कि ये हाईलाइट्स पॉइंट है जो मुझे लगता था कि मुझे बाद में मतलब रिवाइज करने के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से ये याद होने चाहिए, तो उसको मैंने हाईलाइट बहुत अच्छे तरीके से कर दिए। तो आप लोग भी इस टाइप से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल लिख के, ये देखो मैंने जहां जहां मुझे अच्छा लगता था कि एट द टाइम ऑफ रिविजन मुझे ये चाहिए, मल्टीपल हाईलाइटिंग के तरीके से लेना है, तो आप
लोग हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए आप लोग मल्टीपल हाईलाइटर्स का यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक नियॉन कलर का है, एक पर्पल है और एक ये बिल्कुल ऑरेंज कलर का है। मुझे ये तीन कलर बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग को अगर दूसरे कलर चाहिए हो तो बिल्कुल आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से करना है। तो तुम लोग को एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करना है, साथ ही साथ जितने प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल्स आए लास्ट 10 ईयर तक के न्यूमेरिकल्स देख लेना, उससे बाद तुम्हारा एक भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। इतना तुमने सॉल्व कर लिया ना, डेफिनेटली 90+ तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल आ रहे होंगे। एक भी न्यूमेरिकल तुम छोड़ के नहीं आओगे और ना ही गलत करके आओगे। सो नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुम लोग को वीकली टेस्ट देना है। जैसे हम लोग के पास संडे होता है, आप लोग के पास वीक डेज होते हैं, संडे हमारे पास बिल्कुल कंप्लीटली फ्री होता है। तुम लोग ने जितनी चीजें पूरे वीक में पढ़ी है उसका टेस्ट लो, क्या तुम लोग को सच्ची मुची वो चीजें याद हुई भी है या नहीं, तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं जब तक तुम लोग पढ़ रहे थे तब तक याद रहता है, ऐसा होता ना आगे पार्ट पीछे सब पार्ट, वैसी चीजें हम लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो तुम लोग को क्या संडे को तुम्हारा एक प्लान होना चाहिए, तुम्हारे पास एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि आज मुझे इतने घंटे इस वाले चैप्टर का टेस्ट देना है। जो जो चीजें तुम लोग ने वीक में पढ़ी है संडे का, प्लीज यार उसको टेस्ट लो, तभी तुम लोग को पता चल जाएगा कि मैंने कितनी चीजें पढ़ी और कितनी मेरे यहाँ तक घुसी है। अब यार बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि दी क्लास 10th बोर्ड क्लास है हमारी तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए। यार देखो ये कितने घंटे पढ़ने से तुम सक्सेसफुल नहीं हो जाते और ना ही 90% आ रहे होते कितने घंटे पढ़ने से। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 10 से 12 घंटे भी पढ़ रहे होते पर भी उनके 70-75% आ रहे होते, और बहुत सारे बच्चे 3-4 घंटे पढ़ के भी बिल्कुल 90% ला सकते हैं। पर ये तुम पर डिपेंड कर रहा है, जो 3-4 घंटे तुम पढ़ रहे हो उसको प्रोडक्टिव बनाओ, उसमें कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि जैसे तुम्हारे इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन बन रहा है, हम रील्स देखने बैठ गए, हम किसी को रील्स सेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आ रहा है तो उसी से चैट कंटिन्यू करने बैठ गए हम लोग, तो प्लीज ऐसी चीजें मत करो। अगर तुम लोग देखो मैं तुम लोग को स्कूल का और कोचिंग का टाइम हटा के बात करूँ तो तुम लोग को यार नेसेसरी है सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ना। तुम 3-4 घंटे एटलीस्ट कुछ सेल्फ स्टडी के लिए निकालोगे, जब ही जाके तुम लोग क्लास 10th में 90% ला सकोगे। और हाँ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बर्थडे पार्टी शादी वगैरह अगले साल भी आ जाएगी, किसी और रिलेटिव भी शादी कर लेगा, किसी और की बर्थडे पार्टी आ जाएगी, तुम इस साल नहीं जाओगे तो कोई तुम्हारा बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। पर हाँ इस साल अगर तुम लोग ने नहीं पढ़ा तो तुम्हारे क्लास 10th में बड़ा नुकसान हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ अगर तुम लोग को साइंस के अलावा किसी की स्ट्रेटजी चाहिए, जैसे सोशल साइंस की चाहिए, मैथ की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए, हिंदी की चाहिए और किसी और सब्जेक्ट की, तो बिल्कुल आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग सभी लोग हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जैसे तुम लोग के साथ प्रॉमिस किया था कि साइंस का पूरा कॉन्टेंट हमारे इसी चैनल पर आने वाला है, द हसलर्स वाले चैनल पर, तो बिल्कुल आएगा, सोशल साइंस का भी कंटेंट आएगा, बस थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है और स्ट्रेटेजी के बाद बिल्कुल आप लोग को कंटेंट अपलोड हो रहा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।